क्या है ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं क्या होता है, आप लोगों को सिर्फ ये पता है कि मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है ना। फार्माकोलॉजी, फार्मा मीन्स होता है पर्टिकुलर कोई भी एक ड्रग, ठीक है, कोई भी ड्रग हो सकता है। दूसरी चीज लॉक्स मीन्स होता है स्टडी, ठीक। तो इससे क्या होता है, पर्टिकुलर हम किसी भी ड्रग का के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, समझ रहे ना। तो जब हम स्टडी अगर कर रहे हैं तो पर्टिकुलर हम क्या देखेंगे उस चीज का, ड्रग का हम क्या देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, कि उसका हम क्या देखेंगे, उसका इफेक्ट क्या है, उसका एक्शन क्या है, ठीक है। तो ये चीज हम क्या करेंगे यहाँ पर देखते हैं, अगर हमने कोई टेबलेट दिया है तो उससे क्या टेबलेट का क्या इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब सारी चीजें हम देखेंगे। क्लियर सभी को, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि फार्माकोलॉजी, ठीक है, फार्माकोलॉजी को हम दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला तो क्या होता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या हो जाता है हमारा कि इसमें जो भी ड्रग्स अगर हम क्या कर रहे हैं इंटेक कर रहे हैं तो उसमें जो भी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक, स्केलेट होता है, ठीक है, और हमारे बॉडी में क्या होता है एक से दूसरी जगह क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें क्या होता है इसमें हमें देखने को मिलेगा हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। इसके अलावा भी क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे बॉडी में HCl वगैरह भी, ये भी क्या होता है स्केलेट होता है, ठीक है। हाँ, अब दूसरा क्या होता है हमारा फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें इफेक्ट्स अगर हम पर्टिकुलर किसी भी पेशेंट को अगर हमने ड्रग दिया है तो उसका क्या इफेक्ट है, क्या फंक्शनिंग है, देने के बाद क्या उसका एक्शन है, ठीक है ना। ये सब सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलेगा फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है ना। इसी तरीके से देखा जाए तो ड्रग एंड मेडिकेशन, ठीक है, ड्रग और मेडिकेशन एंड मेडिसिन में दोनों में डिफरेंट होता है, ठीक है। ड्रग हम किसको बोलेंगे, जो क्या होता है पर्टिकुलर जो भी हम ड्रग को मतलब आउटर साइड से क्या कर रहे हैं, हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, या तो कोई सिरप भी हो सकती है, सस्पेंशन हो सकता है, टेबलेट हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, ये सब सारी चीजें किसमें आएगा, हमारे किसमें आएगा, ड्रग में आएगा, समझ रहे ना। जैसे एग्जांपल किसी को फिजियोलॉजिकल जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, पेशेंट को ट्रीट करेंगे, ठीक है, प्रिवेंशन करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर किसी भी डिसीज को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ड्रग के थ्रू प्रिवेंशन करना, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रग, ठीक है। इसी चीज हमारी क्या आती है यहाँ पर, मेडिकेशन, ठीक है। मेडिकेशन हम किसको बोलेंगे, जो कि पर्टिकुलर जैसे हमारे पास यहाँ पर एक पेशेंट है, देखिए ये पेशेंट को जो भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, इनको कोई ना कोई जैसे डिसीज, क्या डिसीज है आपको, बीमारी क्या है आपको, चलने की, ठीक है। जैसे एग्जांपल मेरे कहने से पेशेंट को हमारे पैरालिसिस हो चुका है, ठीक है, ये भी हमारे पास एक डिसीज है, ठीक है। ये डिसीज में जो भी हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह हम क्या कहते हैं पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, पेशेंट की केयर कर रहे हैं, पेशेंट को रिलीफ दिला रहे हैं, ठीक है। इन चीजों को जो भी प्रिवेंशन हम करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मेडिकेशन। डायग्नोस्टिक करने के बाद जो भी हम ट्रीट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मेडिकेशन, ठीक है। इसी तरीके से मेडिसिन, मेडिसिन हम किसको बोलेंगे, यूज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मतलब कि जो भी हम क्या करेंगे पेशेंट का इलनेस है, इलनेस को हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करना, ठीक है। जो भी इलनेस है पेशेंट का, जो भी बीमारी है उस चीज को हम क्या करेंगे यहाँ पर, प्रिवेंट करते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, मेडिसिन, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें हमारा पर्पज क्या होता है, पर्पज हमारा क्या होगा, टू डायग्नोस्टिक ऑफ डिसीज, हमारा क्या है कि हम डायग्नोस्ट करें, डायग्नोस्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अब जब हम डायग्नोस्ट करेंगे तो हम डायग्नोस्ट कैसे करेंगे,
टू टाइप्स से हम डायग्नोस कर सकते हैं, एक तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, दूसरा हमारा रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी के थ्रू हम जिसमें एक्सरे, एमआरआई, सीटी, सोनोग्राफ, ये सब चीज़ों से हम रेडियोलॉजी में फाइंड आउट किया जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हमारे पैथोलॉजी से जो भी है, ठीक है, ये सारी जो ब्लड टेस्ट रिलेटेड है इनसे भी फाइंड आउट किया जा सकता है, क्लियर है। दूसरी चीज़ क्या, ट्रीट ऑफ डिसीज, हम डिसीज का क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। हमारा पर्पज़ ये है कि पर्टिकुलर जिस पर्सन को जिस भी प्रकार की अगर डिसीज है, डिसीज मीन जैसे कोई अस्थमा हो गया, डायरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो इस तरीके की जो भी डिसीज होती है, तो वो डिसीज पे जो भी हम ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीट करके हमारा उद्देश्य है कि उसको ठीक करना, समझ रहे ना। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, प्रमोट हेल्थ कंडीशन, हेल्थ जो है वो उसको हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंशन एंड हेल्थ अल्टरनेशन, ठीक है, हेल्थ को हम क्या करेंगे, अल्टरनेट क्या करते हैं यहाँ पर, प्रिवेंट करेंगे, एक दिन छोड़ करके हमें क्या करना है, उस चीज को देख रेख करना है, समझिए ना, टू रिलीफ ऑफ पेन, ठीक है, पेशेंट को हम क्या करेंगे, रिलीफ दिलाने के लिए, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दिलाने के लिए, ठीक है ना, ये सब सारी चीजें हम क्या यहाँ पर करते हैं, ठीक है, क्लियर सभी को, यस सर, चलो थैंक यू सर।